भोपाल से खबर जो है, निर्मला सप्रे के मामले में हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस। सप्रे की विधानसभा सदस्यता को चैलेंज करेगी कांग्रेस। सदस्यता खत्म करने के लिए कांग्रेस अब अपील भी करेगी। बता दें आपको, नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को याचिका दी थी सप्रे की सदस्यता रद्द करने की याचिका लगाई गई। याचिका के जवाब में सप्रे ने खुद को बताया था कांग्रेस का सदस्य। तो सप्रे की सदस्यता रद्द करने की याचिका लगाई गई थी। याचिका के जवाब में सप्रे ने खुद को कांग्रेस का सदस्य बताया था। वहीं आपको बता दें कि निर्मला सप्रे के मामले में अब कांग्रेस हाईकोर्ट जाने वाली है। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, निर्मला सप्रे के अब इस पूरे मामले में अब कांग्रेस बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट जाने वाली है, क्या रुख कांग्रेस का रहने वाला है, क्या आरोप कांग्रेस ने लगाया है? देखिए, कांग्रेस ने विधानसभा में पहले ही एक आवेदन देकर रखा है जिसमें कहा है कि कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे कांग्रेस की बैठकों में नहीं आती हैं, बीजेपी में शामिल होने की उनकी बातें चल रही हैं और वो बीजेपी के मंच पर भी नजर आती है, इसीलिए दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। ऐसी याचिका उन्होंने विधानसभा सचिवालय में लगाई थी। स्पीकर ने इस मामले पर बातचीत की है और निर्मला सप्रे से जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा था कि वो कांग्रेस की सदस्य अभी बनी हुई है, लेकिन इसके बाद में बीजेपी की बैठकों में दोबारा निर्मला सप्रे नजर आई, जो वीडियो वायरल हुए और जो मीडिया के कैमरे में कैप्चर हुए। इसके बाद में कांग्रेस को अब एक वक्त मिल गया है और एक 90 दिन की मियाद भी पूरी हो गई है, यानी विधानसभा स्पीकर के की कोर्ट में अगर 90 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो कांग्रेस को एक छूट मिल जाती है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। यहाँ भी विधानसभा में फैसला नहीं हुआ है और इसीलिए अब कोर्ट के रास्ते खुल गए हैं और इसीलिए कांग्रेस अब कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर रही है। एक तरह से हमलावर है, आक्रामक है कांग्रेस। बीजेपी के खेमे में जाने वाले किसी भी लीडर को अपने अपने पार्टी से हटाने के लिए या उसके जो फायदे हैं वो खत्म करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाए तो अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और जो कांग्रेस है इस मामले में सबूत भी पेश कर सकते हैं जिसमें कई वीडियोस सामने आए हैं या जो तस्वीरें नजर आई हैं जो बीजेपी के बैठकों में नजर आती हैं, इन सबूतों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। यानी निर्मला सप्रे को अब विधानसभा के अलावा हाईकोर्ट में भी जवाब देना पड़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसी बीच क्या बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई जब उनकी इस तरीके की जो मीटिंग्स हो रही हैं या कोई सभाएं हो रही हैं उसमें निर्मला सप्रे अगर शामिल होती हैं और जहां कांग्रेस आपत्ति जता रही है तो क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है बीजेपी की तरफ से? बीजेपी क्या कह रही है? देखिए, बीजेपी फिलहाल इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है क्योंकि एक राजनीतिक मामला है। बीजेपी के किसी भी तरह की टिप्पणी निर्मला सप्रे को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा हम बीजेपी पहले भी कर चुकी है, उसका होमवर्क पूरा है। इससे पहले भी कई केसेस ऐसे हो चुके हैं, सचिन बिरला का चाहे मामला हो, चाहे और कई दूसरे संजय पाठक का मामला हो, इस तरह के कई मामले सामने आए थे जब कांग्रेस के विधायक रहते हुए लोगों ने इस्तीफा दिया था और लंबे अरसे तक वो कांग्रेस में बने रहे। बीजेपी छोड़ने वाले बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की संख्या विधानसभा के दौरान ऐसे उदाहरण भी सामने आते रहे। बीजेपी चुप्पी साध कर घटना को होने देती है और बाद में इसके फैसले पर जाती है। कोर्ट इस मामले में जो फैसला लेगा वो आगे का रुख तय कर सकता है, लेकिन ये फिलहाल एक बड़ी राजनीतिक चर्चा का विषय मध्य प्रदेश में बन गया है, चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कांग्रेस का रुख अब हाईकोर्ट में क्या रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको दिखाते हैं